हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत दिनों बाद। और अब हम थोड़ा तैयारी शुरू करते हैं प्रीलिम्स के लिए। 2018 के लिए हम ये प्लान करेंगे आज, और इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। और साथ साथ में कैसे हॉलिस्टिकली प्रिपेयर किया जाए ताकि 2018 में हम अच्छा अटेम्प्ट दें, 2018 में हम क्रैक कर पाएँ, उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं कि पहले मैं, लेकिन बिफोर वी बिगिन, मैं आपको कुछ चाहता हूँ रिमाइंड करवाना कि अबाउट यूपीएससी, कि इट्स अ टफ एग्जाम। अगर मैं टफ कह रहा हूँ तो मैं माइल्ड कर रहा हूँ, एड वेरी बिफोर दैट इट्स अ वेरी टफ एग्जाम, एंड देन इट्स अ कंपेरेटिव एग्जाम। और कंपेरेटिव, वेन आई से कंपेरेटिव, इट इज वेरी वेरी कंपेटिटिव, और राधा कॉम्पिटिशन इंटेंस क्यों हो जाता है, क्योंकि स्टेज वाइज जो प्रोपोर्शन है वो सेम नहीं है। अगर मान लो 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं, आधे भी देने आए, और अगर वो सीरियस हैं कहीं ना कहीं, तो 7 लाख्स में से अगर आपको प्री निकालना है, 15 हज़ार में आना है, और आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में आधा आधा हो जाएगा, 15 हज़ार का आधा लेट से 7,500 जनरल, 7,500 रिजर्व्ड, तो अकॉर्डिंगली आप देख लो कितना ज़्यादा इंटेंस है ये सब कुछ, और आपको कितने प्रोपोर्शन आपके जो सारे के सारे जितने भी ऑड्स हैं दे आर एब्सोल्युटली अगेंस्ट यू, लेकिन तब भी बच्चे पेपर क्रैक करते हैं, तब भी बच्चे पेपर निकालते हैं, और हर साल प्री क्रैक होता है। तो इसीलिए बस आपको लेकिन दिमाग में रखना है कि इट्स अ वेरी कंपेटिटिव एग्जाम। एंड देन आगे एक और चीज़, डिसिप्लिनड लाइफ चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो इस एग्ज़ाम में तो कहीं ना कहीं, मैंने तो अभी देखा जितने भी एक्सपीरियंस रहे आसपास लोग, जितने जिन्होंने का सिलेक्शन हुआ, अब मैं खुद का भी मैं अगर देखूं कहीं पर, तो सभी डिसिप्लिनड लाइफ को लेकर ही एक बात सबने कही है कि अगर आप इसमें डिसिप्लिन नहीं हो तो ये एग्ज़ाम क्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप एक दिनचर्या जीते हो हर रोज़, और अगर वो दिनचर्या आप जियोगे कम से कम एक साल तक, कम से कम एक साल तक जियोगे तो ही पेपर ये क्रैक कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन के आगे तो वेरी 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 लगा देना जरूरी है। कि आप जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे लिव 9 to 6 की लाइफ, कि 9 बजे सुबह बैठ जाते हैं पढ़ने एंड शाम के 6 बजे तक पढ़ते हैं उसके बाद। और पहली बात तो ये है कि जब ये 9 AM to 6 PM वाली लाइफ है, सॉरी, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि आपने कुछ अचीव भी किया। तो ऐसे ये भी कर सकते हो, अभी आपकी मर्जी है अगेन, ठीक है, कि कई लोग रात को पढ़ते हैं, लेकिन जनरली ट्रेंड देखा जा रहा है कि रात को पढ़ने की अगेंस्ट जब बोलते हैं कि रात को डेफिनेटली शांति होती है, रात को डेफिनेटली कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, लेकिन अगर आप दिन को भी इसको यूटिलाइज कर पाए, व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह से दूर रह पाए, तो बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे तो अब शुरू करते हैं कि प्रीलिम्स आ रहा है और बहुत तेज़ी से आ रहा है इसके रिगार्डिंग, एंड मेंस का, लेकिन साथ साथ में आप ध्यान मत छोड़ना प्रीलिम्स 100 दिन पहले, लेट से अगर आप देखो 2018 की बात करूँ, June 3 को एग्ज़ाम है, तो उसके 3 महीने पहले लेट से फेब्रुअरी एंड तक या मार्च तक भी आप अगर मेंस ओरिएंटेड काम करते रहो तब भी आप प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद मेंस में ऑप्शनल को नहीं भूलना, ऑप्शनल के बारे में बात करते रहनी है, उसके टेस्ट लिखते रहो, ज़्यादा नहीं तो 2 हफ्ते में एक टेस्ट लिख दो, ताकि आप बाय द टाइम आप प्रीलिम्स तक की तैयारी शुरू करो आपने मेंस के 7-8 टेस्ट लिख दिए हो, ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, तो टेस्ट लिखो। एक चीज़ है जिसमें मैं आपको चाहूँगा बताना कि टेस्ट सीरीज़ में कभी किसी भी तरह की कंजूसी मत बरतना, कि चाहे जहाँ मर्जी से अरेंज करनी पड़े, जैसे मर्जी अरेंज करनी पड़े, कहीं आपको परचेज करनी हो, टेस्ट सीरीज़ ही है, दैट इज़ द ओनली थिंग वी आर विटनेसिंग जो आपको आगे ले जाती हैं। UPSC का भी मेंस कंडक्ट हुए, मेंस में हमने एक बात देखी, मेंस में हमने बहुत ही एक अजीब सी बात देखी कि क्वेश्चंस इनवेरिएबली आज भी ऐसे आते हैं जो आपको लगता है ऑन द स्पॉट ही क्रिएट करने पड़ेंगे, पैच वर्क करना पड़ेगा। पैच वर्क का मतलब कि थोड़ा सा यहाँ से उठा लिया, थोड़ा सा वहाँ से उठा लिया, ये याद आ रहा है, वो याद आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली मेंस में अभी भी आपको ऐसा नहीं होता कि आप बोलो कि ये आंसर मैंने पूरा कंप्लीट बनाया हुआ है। तो इसीलिए ये पैच वर्क आप उतना बेटर कब कर पाओगे, जब आपने घर बैठकर तैयारी की होगी पैच वर्क करने की। अगर आपको ऑन द स्पॉट यूपीएससी में करने के लिए बोल दिया जाए तो नहीं अच्छा हो पाता, सिंपल सी बात है। आप अपना जब भी अपना फर्स्ट फ्यू टेस्ट लिखोगे वो उसमें इतनी परफॉर्मेंस नहीं आती, ग्रेजुअली ही परफॉर्मेंस बेटर होती जाती है। तो इसीलिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि टेस्ट सीरीज वगैरह पक्का शुरू करना, मोस्ट लाइकली हम भी टेस्ट शुरू करेंगे, लेकिन अभी पाइपलाइन में ही है कि क्या कैसे कितना प्राइस करना है, क्या नहीं करना, किसको कैसे, मतलब जो भी है अभी इट इज़ अगेन इन पाइपलाइन। अभी
हमारा जो बेसिक एजेंडा इज टू गिव यू कंटेंट, अ लॉट ऑफ कंटेंट, कि टेस्ट में जब आप लिख ही नहीं सकते अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो इसीलिए कंटेंट रिच बनना है सबसे पहली चीज, कंटेंट रिच बनना है जीएस में, कंटेंट रिच बनना है ऑप्शनल में, तभी ही आप उस कंटेंट को मोल्ड करोगे, अपने अच्छे आंसर बना पाओगे। जो भी लोग कहते हैं कि नहीं हमने तो बहुत कम पढ़ाई की है, वो नहीं, वो ऑलरेडी फिर शायद वो कंटेंट रिच होंगे डे वन से। जो कंटेंट रिच नहीं है उसको मोल्ड नहीं कर सकता एग्जाम में। मोल्ड किसको करोगे? जो कंटेंट आपके पास होगा, अगर कंटेंट ही नहीं है तो यू जस्ट कैन नॉट मोल्ड इट। तो इसीलिए बी ऑन द वॉच एंड कीप स्टडिंग, पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, और इसीलिए मेंस रिलेटेड कंटेंट पढ़ते रहो अंटिल 100 दिन दूर रह गया प्रीलिम्स। 100 दिन में बहुत अच्छा हम अच्छे से रट्टा लगाएंगे, पढ़ाई करेंगे, दिन रात पढ़ेंगे, और जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आएगा अपने नंबर ऑफ आवर्स डेली जितने लगाने हैं वो भी इंक्रीज करते जाएंगे। अभी शुरुआत करते हैं, अभी थोड़ा बैलेंस रखेंगे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, और मेंस के भी टेस्ट लिखते रहेंगे। ओके, तो प्लान क्या है? प्लान में आपको मैं क्विकली बता रहा हूँ कि हमने जीएस के बारे में बात करनी है, जीएस का प्रीलिम्स, हमने सीसैट के बारे में बात करनी है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं अभी, हम कुछ ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ाते रहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, जीएस में तैयारी अच्छी करते हैं, लेकिन सीसैट में दे रुइंड इट, सीसैट खराब हो गया और पेपर ही क्रैक नहीं हुआ। तो उसके बाद करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे हम, देन क्वेश्चंस कहाँ से कैसे करने हैं, मेंस ओरिएंटेड टास्क करेंगे पूरे, ऑप्शनल क्लासेस के बारे में बात करेंगे, एंड टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको मैं कुछ थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। तो अभी क्विकली देखें हम एक एक करके सब चीज़ें, कि जीएस फॉर प्रीलिम्स इसके बारे में देखो, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली जीएस के बारे में, कि डेली जीएस कवर होना शुरू हो जाएगा अब आपका 15th of November से। तो जो लोग इसको बाद में देख रहे हैं 15 नवंबर के बाद में, तो इस वीडियो से बस वो इतना ध्यान रखें कि जो जीएस है वो एक प्रॉपर पैटर्न में चलेगा। अब बहुत ही थोड़ा हमने एम्बिशियस प्लान बनाया है, उसमें आपको मैंने यहाँ पे हम एक आपको मैं पीडीएफ भी अटैच करके साथ में लगा रहा हूँ अपने प्लान की। तो एम्बिशियस प्लान है, 15 जनवरी 2018 तक ख़त्म करने का प्लान है। तो अगर उसके पहले ख़त्म हो जाए तब तो ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी एम्बिशियस है। तो अगर लेट से हमने उसको 15 दिन एक्सटेंड भी कर दिया तब भी हम फरवरी शुरू होने से पहले सब कुछ ख़त्म कर देंगे। तो दैट विल स्टिल लीव अस विद अ लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइज। कम से कम मेरा मानना है 4 से 5 बार हम रिवाइज करेंगे ताकि हम पेपर में जाके अच्छा अटेम्प्ट दे पाएं। ऐसा ना हो वहां जाके कि हम ओ ये चीज मैंने पढ़ी हुई थी लेकिन रिकॉल नहीं हो रही, जो पढ़ा हो वो तो कम से कम पक्का ही पक्का रिकॉल हो। तो ये करेंगे, डेली जीएस करेंगे, और आपको क्विकली इसका प्लान दिखाता हूं कि प्लान क्या, थोड़ा मैं इत्मीनान से आपको प्लान दिखाऊंगा। देखो हर रोज है क्या, हर रोज एक मॉर्निंग क्लास है, हर रोज देयर विल बी वन मॉर्निंग क्लास जो 9 बजे सुबह अपलोड कर दी जाएगी, और एक इवनिंग क्लास है शाम के 6 बजे की। तो देखो 15 नवंबर से हम कहानी शुरू कर रहे हैं, 15 नवंबर से शुरुआत कर रहे हैं एनवायरनमेंट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रीलिम्स के लिए एनवायरनमेंट, और ये एनवायरनमेंट देखो आपका चलता है, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज 15 डेज के आसपास चलता है, और सारे टॉपिक्स हैं। ये आपका पूरा प्लान हम अपलोड कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी, फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, कीप्स ऑन गोइंग, एंड देन मॉर्निंग क्लास में 6 दिसंबर को आ जाएगी आपकी ज्योग्राफी, ठीक है जी। तो इवनिंग में पैरेलली क्या चल रहा है, इवनिंग में जैसे 15 नवंबर को सुबह क्लास में एनवायरनमेंट आएगा, एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट करोगे, क्योंकि हम पहले हमारा अटेम्प्ट क्या है जो हमने खुद भी विटनेस किया, हम बच्चों में भी देखते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप दिन में क्विकली, क्योंकि अभी हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ के कभी भी रिटेन नहीं होता, आपको रिपीट करना पड़ता है, इसीलिए जितना जल्दी आप फर्स्ट टाइम कर लोगे उतना बेटर है आपके लिए रिवाइज करने के लिए। तो इसीलिए हमने क्या करना है कि हमने दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ताकि थोड़ा एम्बिशियस भी प्लान रहे, आप थोड़ा एफर्ट भी मारो, और बहुत ज़्यादा हम ऐसा भी नहीं है कि मान लो बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी इट्स नॉट टू मच, कि ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा दिन चाहिए मुझे इसके लिए, नो आपको पूरा दिन इसके लिए नहीं चाहिए। तो आपने ये पढ़ा, एंड देन इवनिंग बैच में आपको साइंस के बेसिक्स की क्लास है, ये साइंस चलेगी पहले 5 दिन, देन उसके बाद इवनिंग में पैरेलली यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट चल रहा है, यहाँ पे आपका मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री क्योंकि एक बहुत ही अगेन, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं खत्म करना, ताकि रिवाइज करने का हमें टाइम मिले। मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाएगी, जैसे यूरोपियंस का आना 57 तक, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, देन
यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री शुरू हो जाएगी अकॉर्डिंगली। आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा प्लान चलता रहेगा ऐसे, मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग, 6 days अ वीक क्लास है, संडेज को ही सिर्फ ऑफ है, संडेज को ऑफ है। संडेज को हम कुछ कुछ और करने की ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, संडेज को आपको जो हमने पढ़ा है अभी तक पूरे हफ्ते में वो रिवाइज करने की ट्राई कर रहे हैं। लेट्स सी अभी है अभी, लेकिन पहले अगेन आई रिपीट कि कॉन्टेंट खत्म करना है, देन आगे कंटिन्यूएशन में ये ज्योग्राफी चलती जा रही है मॉर्निंग बैच में, यहाँ पे आपकी हिस्ट्री चलती जा रही है, एंशियंट व मिडिवल आ गई, देन इवनिंग में पॉलिटी आ जाएगी, एंड यहां पर आपके इवनिंग में ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी आपकी, देन लास्ट में साइंस के बाद टेक वाला सामान आएगा, टेक, क्योंकि साइंस अलग है, साइंस इज लाइक आपकी बेसिक साइंस, छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं की साइंस की किताब, आईसीएसई एनसीआरटी, थोड़ा बहुत ग्यारहवीं बारहवीं में से एक एक सामान निकालना, बहुत क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछ रहा, लेकिन यूपीएससी किसी का गुलाम नहीं है, दोबारा पूछ सकता है, तो इसलिए हम प्रिपेयर करके तो जाएंगे साइंस, लेकिन हाँ यूपीएससी टेक से पूछता है बहुत टेक्नोलॉजी, तो हमारा ये वाला जो जो लास्ट में जो हमारा कॉम्पोनेंट आएंगे 5 दिन के, इसमें हम 5 दिन हम क्या करेंगे टेक रिवाइज करेंगे ढंग से, कि टेक में लेटेस्ट क्या हुआ, कोई जो बिल्कुल स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, एंड पैरेलली यहां पर पॉलिटी चलती जाएगी एंड पॉलिटी खत्म हो जाएगी। तो अपना प्लान क्या है कि अपना 18th जान के आसपास हम ये सब कुछ खत्म करने की ट्राई है, एंड मैंने यहां नीचे लिखा हुआ है वी आर कीपिंग दिस प्लान वेरी एंबिशियस एंड इवन इफ वी फिनिश बाय एंड ऑफ जनवरी विल हैव इनफ टाइम टू रिवाइज अ थिंग एटलीस्ट 3-4 times, 3-4 times तो हमें रिवाइज करना ही करना है, ताकि जो हमने पढ़ा हो वो तो हमें रिकॉल हो जाए। तो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट कि हमारा कॉन्सेप्ट है क्या, कि अपना सिंपल सी बात है कि मॉर्निंग और इवनिंग अपनी क्लासेस होंगी, मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस होंगी, पैरेलली चलते रहेंगे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है जी, सब्जेक्ट चलते रहेंगे पैरेलली, दैट्स इट। ये है अपने आपको जीएस की कहानी, ये मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप ये जो अपना लिंक नीचे लगा होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको आराम से देख सकते हैं कि पूरा प्लान क्या है। अकॉर्डिंगली हमने साथ साथ में जो भी अब आपका जो सेशन शुरू होगा, जैसे मान लो एनवायरमेंट शुरू होगा, अब 15th से सबसे पहले दिन एनवायरमेंट शुरू होगा, उसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आएगा, क्विक सा वीडियो होगा, छोटा सा वीडियो होगा, इंट्रोडक्टरी वीडियो उस सेशन का, उसमें आपको बताएंगे हम, इट विल कंटेन कि सेशंस कैसे कंडक्ट किए जाएंगे, एंड देन कौन सी बुक्स या कौन से सोर्सेस पैरेलली पढ़ो, पढ़ो क्या मैं तो कहूंगा रटो, ठीक है जी। और क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, उसके बाद पढ़ लिया लिख लिया, लेकिन सम क्वेश्चंस एंड टेस्ट्स टू एम्बैरेस टेस्ट यू, आपको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि देखो जब तक पता ना चले ना कि ओह ये मुझे आता था लेकिन याद नहीं आ रहा, ओ ये मैंने पढ़ा था लेकिन मैं मिस कर गया इसको, बड़ा लाइटली ले गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, तब तक चीज़ें रिटेन होती ही नहीं, तो आपको रिटेन कराने के लिए टेस्ट तो लेने ही पड़ेंगे। और हम ट्राई करेंगे हर लेक्चर के एंड में टेस्ट हो, कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चंस पूछे जाएं, और उसके बाद आपसे भी कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी, आपको जैसे टीचर पूछेगा उसमें वीडियो में कि आपने ये जो चीज़ पढ़ी या फिर बुक में वो वाले पेज में जाके पढ़ो, इसका आंसर नीचे कमेंट में बताओ, ऑटोमेटिकली बस थोड़ा सा आपको पुश है, अगर जितना आप साथ चलोगे उतना टीचर भी इनकरेज होते हैं, तो बस इतनी सी छोटी सी बात है। और ये अपने सब्जेक्ट के सेशन चलेंगे, इंट्रोडक्टरी वीडियो से स्टार्ट हो जाएंगे 15th November से, तो 15th November आज जैसे 13th November है यहाँ पर, तो अपने थर्ड आज से 2 दिन बाद आपका यू विल स्टार्ट सीइंग द वीडियोस एवरी डे, तो और वो भी दैट इज 2 वीडियोस तो जीएस के ही आएंगे। उसके बाद सीसैट, अब सीसैट में बच्चे बेचारे फेल हुए और बहुत ही अच्छे लोग फेल हुए, लास्ट टाइम एक तो कोई स्टूडेंट था बहुत ही अच्छा स्टूडेंट डॉक्टर एंड ही फेल्ड, तो अब ऐसा लगता है कि क्योंकि ही वॉज वेरी गुड विद जीएस, तो जीएस उसका निकल गया लेकिन सीसैट में वो उसका नहीं हाथ ठीक था, तो ही डिडंट इवन लाइक टेक इट सीरियसली, तो उसको हम कहते भी थे आप पढ़ लो, तो लेकिन ही डिडंट स्टडी, तो सीसैट में ही फ्लंक्ड रियल बैड। यूपीएससी भी सीसैट का लेवल बढ़ा रहा है, तो लेकिन ये अब इतना भी नहीं है कि 70 marks लेने हैं, 70 marks आपको सीसैट में निकालने हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रीजनिंग भी होती है, इंग्लिश भी होती है, तो थोड़ा बहुत करके आप अभी भी मेरे हिसाब से अगर साथ साथ चलो हमारे 100 number आराम से लेके आओगे। हाँ लेकिन जितना नंबर एक्स्ट्रा लेके आओगे उतने बेटर ही आपके लिए, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उससे, लेकिन 100 तो आराम से आ सकते हैं हमारे। अगर आपका सीसैट वीक है तो क्लासेस लगाओ, ठीक है, क्लासेस अपलोड की जाएंगी हर हफ्ते, क्लासेस अपलोड की जाएंगी, ठीक है जी, उसका प्लान भी मैं साथ में अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, सीसैट की क्लासेस अपडेट की जाएंगी एंड तो वो प्लान के साथ चलेंगी। अगर आपको लगता है आप सीसैट आपका अच्छा है, आपने कभी बैंक पीओ की तैयारी की हुई है, आपने कभी कैट की तैयारी की हुई है एटसेट्रा, या आपको कभी लेट से ओवरऑल ही आपको देखा कि आपका लेवल ठीक है, तो मैं इसमें आपको ये बोलूँगा कि टेस्ट लिखो बस थोड़े से सीसैट के, क्योंकि टेस्ट लिख कर जाना चाहे जितना भी आसान है सीसैट, टेस्ट लिख के जाओगे थोड़ा सा हाथ चलना शुरू हो जाता है, बस दैट्स इट। पेपर में जाके ना वहाँ जाके कई बार ऐसा होता है कि सवाल मुश्किल आ गए, सॉल्व नहीं हुए पहले 2-3 सवाल मेरे सेट में, ऐसे
से मेरा बैड लक हुआ और मेरे आगे जो पहले जो दो तीन सवाल थे बहुत मुश्किल सवाल थे, तो मेरे कॉन्फिडेंस तो ग्रेजुअली क्या होता है ड्रॉप हो जाता है। तो इसीलिए टेस्ट लिख के जाओगे यू विल नो कि क्या चल रही है क्या नहीं क्या नहीं। एंड टेस्ट तो इसीलिए बस वही है कि फॉर श्योर डू राइट टेस्ट, मार्केट में मिल जाते हैं, जैसे वी मोस्ट लाइकली इवन वी आर प्लानिंग कि हम कुछ टेस्ट डालेंगे, तो यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, करंट अफेयर्स के बारे में, मैड सीरीज़ चलती रहेगी। मैड सीरीज़ को बहुत लोगों ने, पहले हमारा प्लान था कि मेंस के आसपास शुरू करेंगे, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मैड बंद मत करो, मैड को काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिलता है। एंड मैड मुझे भी लगता है कि सही में कि मेंस की तैयारी कंटिन्यूसली होती रहनी चाहिए, तभी ही मेंस क्रैक होता है, अदरवाइज मेंस ओवरनाइट क्रैक नहीं होते। तो आम इंसान की बात कर रहा हूं, मेरे जैसे आम इंसान की, आप बोलो अगर नहीं मैं तो चमत्कारी हूं, मैं तो कर ही लूंगा, नहीं तो मैं बिल्कुल आम स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट होगा कोई, तो हमें तो कंटिन्यूस एक चाहिए एफर्ट। ठीक है, तो मैड में वही है कि आपको क्वेश्चंस आंसर्स मिलते रहेंगे, आप भी आंसर्स लिखो वहां पर, मैम की हेल्प करो, तो लेट्स सी सभी मिलके कलेक्टिवली हेल्प करते हैं, काम करते हैं। उसके बाद एडिटोरियल्स को लेकर हम काम शुरू कर रहे हैं, थोड़ी सी हम टीम एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, और एडिटोरियल्स में ऐसा होगा कि एडिटोरियल्स के थ्रू पढ़ाई करेंगे कि मान लो कोई एडिटोरियल आ गया दिल्ली में, अभी आपने देखा एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ही हैजर्ड चल रहा है और वहाँ पे जो भी है स्मॉग आ गया, तो ऐसे बस स्मॉग आ गया उस पर ये सोल्यूशन आ गया, मैक्सिको सिटी वाले बोल रही हैं कर लो, बीजिंग वाले बोल रही हैं कर लो, एंड आम आदमी पार्टी कुछ और बोल रही है, तो ये बहुत ही पैच वर्क टाइप तैयारी है। तो यूपीएससी का क्वेश्चन ऐसे तैयार नहीं कर सकते हम, तो आपको हॉलिस्टिक तैयार करना चाहिए कि स्मॉग रिलेटेड पूरी तैयारी कि कैसे कि क्या था ये था। तो ऐसे हम वही है कि एक्सटेंडेड स्टडी का प्लान है कि चाहे एक एडिटोरियल एक बार उठाओ और लेकिन उसका पूरा हॉलिस्टिक कवर करो, ताकि एक यूपीएससी का टॉपिक कवर हो, मेंस का आप एक पूरा टॉपिक कवर कर रहे हो। ठीक है जी, चाहे वो ज्योग्राफी में पूछे, उसके बाद वो अर्बन हीट के बारे में पूछे, आसपास की ये वो सब चीज़ें इकट्ठी सी हॉलिस्टिकली तैयार हो। हमें बस क्या चाहिए, हमें एडिटोरियल से चाहिए हमें एक शुरुआत, एक ट्रिगर, उस ट्रिगर को हम पूरा हॉलिस्टिकली कवर करेंगे। तो अटेम्प्ट ये है कि हफ्ते में शुरुआत में, क्योंकि मैट भी चल रहा है, मैट की सीरीज भी यही अटेम्प्ट करती है, तो एडिटोरियल लेकिन काफ़ी करंट अफेयर्स ड्रिवन होता है, तो उसी में हमारा अभी इनिशियल अटेम्प्ट ये है कि हम शुरू में कि आपको एक एक दो दो करके पर वीक शुरू करेंगे, ताकि मेंस ओरिएंटेड जहां भी आपका मेंस में आपको लगता है वो जीएस वन में फिट हो रहा है, थ्री में फिट हो रहा है, आप उसको वहां पे रखो, उसका प्रिंट आउट लो, लिखो, नोट्स बनाओ एंड वहां पे अपने फोल्डर में डालो, ताकि रिवाइज करने में लास्ट में आसानी हो। ठीक है, ओके, प्री बेस्ड क्वेश्चंस, ये आई विल टेक इट अप पर्सनली, क्योंकि जनरली लाइक ऐसे मतलब था कि प्री में आई हैव बीन गेटिंग वेरी गुड स्कोर्स। जैसे एक बार अभी 2016 के प्री में, 2016 का प्री था, यस, तो उसमें आई गॉट ऑलमोस्ट 148 मार्क्स, आई गेस 152 थे या 148 थे, तो प्री में कंसिस्टेंटली हम सबने बहुत ही हाई स्कोर किए। तो और जैसे मेंस के लिए जो हमारे मैड वाले मैम हैं वो शी इज द बॉस, एंड जो प्री के लिए आई विल टेक चार्ज एंड प्री के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे हर रोज़। मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, ऐसे ओवरवेलम नहीं कर दूंगा कि ये आगे आपके पास पकड़ो 10 सवाल 20 सवाल, पांच पांच सवाल करके ही करना शुरू करेंगे, थोड़ा से ऐसा होंगे थोड़ा चैलेंज करेंगे एंड ग्रेजुअली लेवल बढ़ाएंगे, ग्रेजुअली क्वेश्चन बढ़ाएंगे। इनिशियल मेरा अटेम्प्ट है 5 से 10 के बीच में ही सवाल रहेंगे, कुछ स्टैटिक होंगे हर रोज़ आएंगे और कुछ बीच में ही, जैसे मान लो मैं आपको अगर 6 सवाल देता हूँ 8 सवाल देता हूँ, तो आधे उसके होंगे स्टैटिक, आधे होंगे उसके करंट, ताकि इकट्ठे इकट्ठे करते 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 हम एंड बाय द एंड हमारे पास हो गया हो रिपोजिटरी हो गई हो कुछ 25-30 हज़ार क्वेश्चंस की, सारे टेस्ट टूस्ट ये वो मिलाकर। उसमें से अगर आ गया हो गया तब तो होना ही चाहिए, अगर तब भी नहीं हो रहा तब तो हम क्या ही कहें ना। ओके, तो मेंस ओरिएंटेड टास्क ये भी कवर करेंगे, फेब्रुअरी एंड तक हम मेंस ओरिएंटेड जाते रहेंगे। बहुत सारे मेंस के टॉपिक्स हैं, इसका मैं आपको अलग से एक प्लान बताऊंगा कि मेंस के टॉपिक्स उठाकर, जैसे आपको मैं ये अभी हम इस पे काम चल रहा है क्योंकि इट इज़ टेकिंग अस अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेंस साथ साथ नहीं होगा, अगर दो लोग क्या करते हैं ओवर एंड ओवर मेंस लिखते रहते हैं अपनी लाइफ में, कभी मेंस नहीं निकाल पाते। तो मेंस साथ साथ तैयारी करनी जरूरी है, प्री की तैयारी बहुत दबा के करते हैं क्योंकि प्री की तैयारी करने में आपको बहुत सारा क्या करना है, फैक्ट 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 रट्टे रट्टे लगा दिए प्री निकल जाता है, लेकिन मेंस में आपको वो रिकलेक्ट करना है कि यहाँ पर मेरे कौन सी चीज़ें वापस आ रही हैं। तो इसीलिए मेंस ओरिएंटेड टास्क कैसे कवर करेंगे, मान लो मैं जैसे जीएस वन है मेरे पास, जीएस वन में आपके पास मान लो हिस्ट्री है, कल्चर है एंड ज्योग्राफी है, सोशल इशूज़ हैं, ठीक है जी, तो ऐसे तो अब मान लो कि इसमें लिखे हुए आपके पास 10 टॉपिक, तो मैं इनकी नेमिंग करूंगा 1.1 1.2 1.3 1.10 ऐसे, लेट से 1.11 आ गया, करते करते लेट से यहाँ 1.19 आ गया। तो ऐसे हमने टोटल हमने जीएस के सिलेबस की कोडिंग करनी है, अभी हम इसी प्रोसेस में लगे हुए हैं कि कोडिंग कैसे बेस्ट कर सकते हैं, तो जीएस के प्रोसेस की कोडिंग करेंगे,
कि कोड लगा दिया हर एक टॉपिक के आगे, ठीक है जी। आज ऐसे ही GS2 का होगा 2 point something something, ऐसे ही GS3 का होगा 3 point something something एंड 4 का होगा 4 point something something, सारे टॉपिक्स हमने कोडिंग कर दी। उसके बाद हम आपको जैसे लेट्स से कोई मैड दे रहे हैं, और हमने जैसे मैड में दिया आपको बताया ये मैड का ये वाला क्वेश्चन 1.17 एंड लेट्स से 3.11 को टच करता है, आप प्लीज अकॉर्डिंगली अपने नोट्स प्रिंट आउट निकाल कर आप वहां पर रख दो, या अपने हाथ से लिख के वहां पे नोट्स रख लो, ताकि ओवरऑल एजेंडा क्या है, एजेंडा ये है कि लास्ट डे जब आपका मेंस हो रहा है तब आपको बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ शफल नहीं करना पड़े, मैंने ये यहाँ लिखा हुआ वहाँ लिखा हुआ है, दैट्स इट। आपने अपने प्रिंटआउट निकले हुए हैं, आपने उस पर अपने हाथ से स्क्रिबल किया हुआ है, आपको याद है वो क्या कहानी है और वो करेंगे अभी। इसीलिए हम फेब्रवरी एंड तक हम मेंस ओरिएंटेड टास्क आपको देते रहेंगे, कुछ ना कुछ GS 1, 2, 3, 4 सामान कवर होता रहेगा, ठीक है। उसका प्लान आपको मैं अनवील करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सेशन किस पे फोकस चाहिए, प्रीलिम्स पे। आगे ये अपलोड किए जाएंगे रेगुलरली, मैंने आपको बताया। ऑप्शनल के बारे में बात करें, सोशियोलॉजी कवर करेंगे पर्सनली, मतलब मैं ही कवर करूंगा सोशियोलॉजी, एंड पूरा पेपर 1 पूरा पेपर 2 कवर करेंगे। हमने कुछ लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं स्ट्रैटिफिकेशन के एंड पॉलिटिक्स के, ये हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, क्योंकि वो मेन था स्टूडेंट्स का। ये चैप्टर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मदद भी हुई आई एम श्योर, क्योंकि मुझे पर्सनली कुछ लोगों ने इनबॉक्स भी किया कि काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ, और आई होप कि रैंक आए उनका। तो ये सोशियोलॉजी हम अब चैप्टर 1 से शुरू करेंगे आगे जो, एंड उसके बाद पूरा सिलेबस कवर करना है। जनवरी शुरू होने से पहले या जनवरी तक हम इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मैं चाहता भी नहीं बहुत ज़्यादा रश करें, क्योंकि बहुत रश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर अब एक टेंशन क्या है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने सोशो या कुछ और जो ऑप्शनल ह्यूमैनिटीज़ वाले ऑप्शनल उठाए होते हैं, इनका बैकग्राउंड नहीं होता इसमें। ऐसा नहीं है कि मैंने BA MA की हुई है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो सोशो बैकग्राउंड वाले ही सोशो में बैठे हुए हैं। ज़्यादातर क्या होते हैं, किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है, किसी ने BCOM, किसी ने कुछ और में BA एटसेट्रा एटसेट्रा, सोशो का बैकग्राउंड नहीं है। तो अब बैकग्राउंड नहीं है उनको, मैं बोलूं कि आप ये 2 महीने में सोशो के महारथी बन जाओ, तो वो भी बात सही नहीं लगती मुझे। तो आपको सोशो के साथ थोड़ा वक्त बिताना बहुत ज़रूरी है, कि आप पढ़ो ग्रेजुअली, उसको इंटरनलाइज करो, ताकि जो वर्ड्स हैं सोशो की लैंग्वेज, आप अभी तक आप समझ गए होंगे जो सोशो आप करते हैं, कि एक लैंग्वेज है और एक फीलिंग है, और एक ओवरऑल आप देखो कि एक क्वेश्चन में एक तरह की थीम भी होती है जो काफ़ी सामाजिक होती है। तो अब यही एक चीज़ है कि मैं आपको चाहता हूँ कि थोड़ा ग्रेजुअली करें, थोड़ा डेली टास्क भी लें। हम हफ्ते में हम इसके 5 to 6 क्लासेस किया करेंगे, एंड जनवरी में हम इसको ख़त्म कर देंगे जनवरी तक। तो ये मेरा एजेंडा है, कि इसलिए आई डोंट रियली वांट टू रश, क्योंकि मुझे तो वीडियो बना के अपलोड करने में बहुत टेंशन नहीं है, सोशो का हमारा सारा सामान तैयार पड़ा हुआ है। तो लेकिन इस एजेंडा क्या था, कि सिर्फ और सिर्फ आपके साथ थोड़ा वक्त बिताया जाए। इवन हम प्लेटफॉर्म डेवलप करने की ट्राई कर रहे हैं, एक वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज इन बैंगलोर, वो हमारा एक प्लेटफॉर्म शायद डेवलप कर रहा है, तो लेट्स सी कि जिसमें हम इंटरेक्शन भी कर पाएँ अच्छी सी। तो लेकिन अभी पाइपलाइन में, आई एम नॉट रियली प्रॉमिसिंग यू, क्योंकि कितना कैसे बन पाता है, कि सैटिस्फैक्ट्री हो या ना हो। ओके, तो आगे हम इसमें सारे पेपर कवर करेंगे, टेस्ट भी करेंगे, एंड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वो प्लेटफॉर्म की तैयारी है, लेट्स से अगर प्लेटफॉर्म नहीं हो पाया तो वील डिवाइस सम अदर वे, आई एम नॉट रियली श्योर हाउ, आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि कैसे इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं हम। कि इंटरेक्शन में अदरवाइज ऐसा होता है कि अगर मैं एक बंदे पर अगर एक टाइम लगा रहा हूँ, मान लो 15 मिनट, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो 15 मिनट देना पॉसिबल नहीं रहता। कंटेंट जनरेट करना है, कंटेंट डिलीवर करना है, प्रेजेंटेशंस बनानी है, बहुत सारा काम हो जाता है। इसीलिए इंटरेक्शन हैज़ टू बी स्ट्रीमलाइंड। वी आर स्टिल इन अ प्रोसेस टू डिवाइस हाउ वी कैन इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, लेट्स सी। ओके, एंड स्टडी मटेरियल हर चीज़ के साथ आज से, चाहे मैड हो चाहे जो भी हो, PDF अटैच्ड मिलेगा आपको, ठीक है। सूनर और लेटर PDF विल बी देयर, बट आई विल स्टिल हाईली रिकमेंड कि अपने हाथ से लिखो जो चीज़ आपकी हैंड रिटन है, इट विल स्टे विद यू। नेचुरली PDF एटसेट्रा दे सेव अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन क्यों, लेकिन आपको सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट है, इट इज़ 500 नंबर, ठीक है, और आपको आना चाहिए अटैच करना, क्योंकि ये चीज़ मोर और लेस मेरे हिसाब से स्टैटिक है, बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ वहाँ भागती, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि कुछ कि इस बार पेपर 250 नंबर का स्टैटिक आया, 250 का आपका आया करंट अफेयर्स, नहीं, ऐसा नहीं होता। हद से हद आपका क्या होता है, 90:10 की रेशो रहती है, 85:15 की रेशो रहती है। तो इसीलिए अपने जितना हाथ से लिखोगे उतना इंटरनलाइज्ड रहेगा, मतलब मेरी सजेशन तो ये है, बुक पढ़ते रहो, बुक से नोट्स निकालोगे एटसेट्रा एटसेट्रा, तो जितना आप बेटर उसको कर पाओगे अपने हाथ से, उतना आपके दिमाग में घुसेगा। मैं आपको एक सिंपल सा एक लॉजिक दे रहा हूँ। एक हमारा स्टूडेंट है और उसके पास साइकोलॉजी ऑप्शनल है, उसने बहुत ही अच्छा हमें एग्जाम्पल दिया है कि हमारे बॉडी में जब हम पढ़ रहे होते हैं हमारे पास हमारे 3 senses हमारे एक्ट कर रहे होते हैं, 3 senses। तो एक सेंसेस तो है जिससे हम देख रहे होते हैं, हमारी आँखें, ठीक है, एक सेंस है जिससे हम, मान लो, हम अपने सुन सकते हैं, वो है ईयर्स,
और एक जिससे हम लिख सकते हैं वो है हमारा टेक्टाइल, लेट्स से जो हमारा लिखने वाला, मैं राइटिंग लिख रहा हूँ इसको यहाँ पे, टेक्टाइल या फिर जो लिखने वाला हमारे सेंसेस हैं। जनरली जब हम पढ़ रहे हैं हमारी सिर्फ एक ही सेंस काम करती है, दिमाग उतना ही रजिस्टर करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोल बोल के तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके ईयर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, दो सेंसेस काम कर रही हैं, दो सेंसेस रजिस्टर कर रही हैं चीज़ों को, तो रिटेंशन बढ़ जाती है। अगर आप मानो उसको लिख भी लो, आप उसको लिख भी लो, तीसरी सेंस को भी एक्टिवेट कर दो, दिमाग की रिटेंशन या रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड इट्स अ टेस्टेड थिंग है, ऐसा नहीं है कि हर बंदा आपको मिलता है वो बोलता है लिखो लिखो, तो देर मस्ट बी अ रीज़न। तो मैं आपको साइंटिफिक रीज़न दे रहा हूँ कि क्यों लिखो, कि आपके तीनों सेंसेज एक्टिवेट हो जाएंगे। सोचो तो कम से कम लिख ही लिया करो। आपको मैं PDF दूंगा, PDF साथ में अटैच होंगे, ठीक है। एंड बाकी इट इज़ एंटायरली अप टू यू इफ़ यू वॉन्ट टू टेक हैंड रिटन नोट्स और इफ यू वॉन्ट टू मे बी गेट दोज PDFs एटसेट्रा, ठीक है जी। तो देन आपको साथ साथ में मैं बुक्स एंड कुछ सोर्सेज जो पढ़ने हैं वो बताता रहूँगा, कैसे पढ़ने कैसे नहीं पढ़ने। एंड उसके बाद टाइम टू टाइम अपार्ट फ्रॉम हमारी ऑप्शनल, पॉल साइंस का हमारा पाइपलाइन में है। अभी पॉल साइंस का आपको मैं कुछ यहाँ इससे प्रॉमिस भी नहीं कर रहा, क्योंकि सोशो का तो अभी हमारा प्रोसेस इज़ डेफिनेटली ऑन। जो टाइम टू टाइम आपको एक्स्ट्रास क्या मिलेंगे, बुक्स की समरीज, बुक्स की समरीज, किसी थिंकर ने क्या कहा, किसी ऑथर ने क्या कहा, उसकी समरीज। क्योंकि अब इतना टेक्स्ट पढ़ पाना स्टूडेंट के लाइफ में, जब मैं खुद था तो इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी। अगर कोई मुझे बता देता, लेट्स से अगर मेरे किसी दोस्त ने पढ़ी है किताब, उसने मुझे थोड़े उसके बता दिए इंपॉर्टेंट 15-20 पॉइंट्स और किसी थिंकर के बारे में बता दिया, तो बहुत ही ईजी हो जाता है मेरे लिए इमेजिन करना। तो बुक्स की समरीज आपको मैं मिलेंगी, मैगजीन्स की समरीज, ठीक है, योजना जितनी भी आपकी है, मैगजीन्स, EPW, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, क्योंकि यहाँ वहाँ धक्के खाने ना पड़े। बट लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत ही अच्छा हुआ तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप भी पढ़ो। लेकिन जनरली बस क्या होता है कि आजकल पेपर कैसा हो गया, पेपर ऐसा हो गया कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स आने चाहिए ताकि आप उसको पेपर में रिप्रोड्यूस कर पाओ। तो मैं इसके जनरली समरीज कहीं ना कहीं काम कर रही है। अखबार रेगुलरली पढ़ना है, बुक्स जो मैं बोलूँगा वो पक्का पढ़नी है, ऑप्शनल के लिए तो मैंडेटरी है, पढ़नी ही पढ़नी है। देन रिपोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है, लेट्स से यूथ पे रिपोर्ट, स्पोर्ट्स पे रिपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी पे रिपोर्ट, वाटर पे रिपोर्ट, जो अपनी गंगा पे रिपोर्ट एट्सेट्रा, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, पेपर में सवाल बनते रहते हैं। ओके, एंड देन कि मेंस में अगेन हमने कोडिंग की होगी और हमने मेंस वगैरह में हमने इसको कहाँ अटैच करना है, प्रीलिम्स में कैसे यूज़ करना है, साथ साथ में हर रिपोर्ट में बताया जाएगा जो भी समरी है। एंड मोस्टली जो शेड्यूल के साथ ही चीज़ें चलेंगी, लेकिन सिंस मैंने आपको बताया एम्बिशियस प्लान लिया है 15 जनवरी तक का, 15 से अगर वो 30 भी तक की ख़त्म हो जाएगा तब भी वील बी वेरी हैप्पी, होना चाहिए ख़त्म, ठीक है जी, होगा ख़त्म, क्योंकि अभी सारी टीम टोटली एक्टिव है मेंस के बाद और सभी डिलीवर करने पर लगे हुए हैं और एम्बिशियस प्लान है। और अगर दो हफ्ते से एक्सटेंड भी करेंगे तब भी फरवरी के शुरू से पहले हम खत्म कर पाएंगे, स्टिल वील हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइज। एंड देन चीज़ें फ्री हैं, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सस्टेनेंस को लेकर टेंशन है, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं एट्सेट्रा, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन अभी बहुत ही एबिसिमल है। तो इसीलिए प्लान है कि अपने आप को सस्टेन रखने के लिए, टीम को मोटिवेटेड रखने के लिए, लोगों ने जॉब छोड़ी है उनको चलाए रखने के लिए टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, क्योंकि आपकी श्रद्धा है वो टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगती हुई तो आप खरीदोगे, नहीं अच्छी लगती हुई तो नहीं खरीदोगे, तो नोबडी कैन रियली मैं बैंक अपॉन इट कि टेस्ट सीरीज से। बट लेकिन येस, वी वॉन्ट टू गिव इट अ परफेक्ट शॉट, टेस्ट सीरीज करेंगे, इंटरेक्टिव सेशंस करने का प्लान है हमारा बहुत सारे शहरों में, और वहाँ जाके लोगों से इंटरेक्शन करते करते मे बी उसका बहुत ही मिनिमल से कोई कॉस्ट होगी इंटरेक्शन की, उससे सस्टेन करना आसान हो जाता है। बूट कैंप चलाने का हमारा प्लान है पेपर के पहले, जैसे कैट में हमारा, जब ये कैट के पहले बूट कैंप चलते हैं बहुत सारे 14 डेज का 10 डेज का, तो कैट छोटा एग्जाम है तो उसके बूट कैंप भी छोटे हुआ करते हैं 3 दिन के 4 दिन के। UPSC का बूट कैंप हैज़ टू बी अ लिटिल लॉन्गर, 14 दिन का 15 दिन का बूट कैंप लगाएंगे, उसमें हमारी कोई पसंदीदा लोकेशन पर आप सबको आना होगा। एंड उस बूट कैंप में we will revise, we will cram and we'll do a lot of things, जैसे as and when जब होगा एग्जाम के पहले होगा तो we'll let you know, अभी तो एग्जाम भी दूर है एंड सभी जो भी प्रोसेस चल रहा है। तो ये बाकी, लेकिन हमारा एजेंडा क्या है कि अकेडमिक जितना भी हमारी क्लासेस हैं, जितनी भी हमारा अकेडमिक से जुड़ी चीज़ें हैं वो सब फ्री रहेंगी, कि आपको नॉलेज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। येस, टेस्टिंग एट्सेट्रा वगैरह माइट बी पेड, लेकिन अभी अकेडमिक्स तो टोटली ही हमारा फ्री है और वो रहेगा फ्री। क्वालिटी तो जो आपको क्लासरूम वाली वो तो बेस्ट मिलेगी ही मिलेगी एंड दैट विल बी रेगुलर। ओके, एंड PDF रहेंगी हर चीज़ के साथ आगे। बट कंक्लूड करते हुए आपको बता रहा हूँ मैं UPSC के बारे में कि आपको हम क्या वादे नहीं कर रहे, ठीक है, वी कैन नॉट प्रॉमिस इज
आपका पक्का सिलेक्शन, हाँ मैं आपको बोलूँ कि लिख के ले लो मुझसे सिलेक्शन होगा, नहीं मुझे नहीं पता किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। मेहनत करने वालों का सिलेक्शन होता है, नहीं करने वालों का नहीं होता। ऐसा तो है नहीं है कि मैं आपको कोई यहाँ पे कोई इंजेक्शन या कोई कोई दवाई खिला रहा हूँ कि ये खाने के बाद पक्का ही आपको असर दिखेगा। तो सिलेक्शन के कोई वादा नहीं है, प्रीलिम्स का कोई वादा नहीं है, और किसी भी चीज़ का कि ये होगा वो होगा चमत्कार हो जाएगा और आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, नहीं ऐसा कोई वादा नहीं है। हाँ लेकिन एक चीज़ का वादा है जो हमने आसपास देखा, अपने दोस्तों में देखा, अपने स्टूडेंट्स में देखते हैं कि एक चीज़ का वादा क्या है कि हम बेस्ट शॉट देंगे एंड वील मेक श्योर कि यू गो हैड एंड यू गिव योर बेस्ट शॉट, ठीक है। एंड हर रोज़ पढ़ने की आदत डले, हर रोज़ पढ़ने की, जिस जिस इंसान को आदत डली है और मेहनत से किया है एंड इट हैज़ दैट पर्सन हैज़ सक्सीडेड, इट हैज़ वर्कड वेल फॉर अस, ठीक है। हैबिट की बात है, डिसिप्लिन करने की बात है, खुद को आपको लगता है कि क्यों कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, बहुत ही डीमोटिवेशन आ जाती है बहुत बार, तो कहीं ना कहीं रिमाइंड करवाना है उसको कि क्यों शुरू किया था, जब मैंने शुरू किया था क्यों शुरू किया था, खुद को रिमाइंड करवानी है वो वाला दिन जब आप सिलेक्शन हो जाएगी एंड हाउ पीपल विल कम टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, हाउ द स्माइल ऑन योर पेरेंट्स फेस विल मेक यू स्माइल, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें रिमाइंड करवानी है एंड डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, क्योंकि ऐसा होता है आज मैं लेट सोया था रात को, सुबह आई के नॉट वेक अप और आज ये आज वो, कोई दिनचर्या नहीं, कोई कुछ नहीं। जिस इंसान की दिनचर्या नहीं है, जिस इंसान का असूल नहीं है, आई लाइक आई एम सॉरी, नहीं बहुत ही मुश्किल एग्जाम है ये, एग्जाम उड़ा देगा आपको, डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, बहुत कुछ हो जाएगा। तो आपकी डिस्क्रीशन डेवलप करनी, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्क्रीशन। अखबार में हर रोज़ हज़ारों चीज़ें आ रही हैं, कौन सा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, नो बडी नोज, ठीक है, किसी को नहीं पता। लेकिन एक डिस्क्रीशन ग्रेजुअली डेवलप हो जाएगी, आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि ये चीज़ मुझे पढ़नी चाहिए। हाँ यूपीएससी ऑब्सक्योर है, लेकिन इतना ऑब्सक्योर है ये पूछेगा, इतना यूपीएससी ऑफ द ट्रैक जाएगा, नहीं मुझे ये नहीं पता, ठीक है। तो डिस्क्रीशन डेवलप करवाना भी एक मेजर एम है कि आप चुन पाओ कि हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। अदरवाइज़ मैं बोलूं कि मैंने आपको 1,00,000 पेजेस के नोट्स दे दिए, अब देखो सब इसमें से आ गया, तब तो आएगा ही आएगा। बात क्या है कि मैंने आपको दिए 5,000 पेजेस के नोट्स, 2,500-3,000 पेजेस के नोट्स, इसमें से आया, हाँ अगर इसमें से आया तब बात बनती है। 1,00,000 पेजेस में से तो आई गई, उसमें तो आपने पूरा दुनिया जहाँ बता दिया, तब तो आना ही था। तो डिस्क्रिप्शन डेवलप करवाना भी एक जो यहाँ पर हमारा एक एजेंडा है और एजेंडा रहेगा, ओके। एंड आपका एक जनरल एक ऐसा लेवल ऐसा बढ़ा देने की एक ट्राई करनी है कि आप कंफर्टेबल हो जाओ अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में, कि जैसे पेपर में ओहो ये क्या पूछ लिया, क्रायोस्फेयर, गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट एट्सेट्रा, ये क्या पूछ लिया, तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आपको कि कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब आई विल मैनेज, मेरे पास कुछ इसके लेके कुछ मेरे पास कहानी है, कुछ मसाला अवेलेबल है एंड आई विल डू सम पैच वर्क, ठीक है, और मैं इसमें लोग इसको खाली छोड़ेंगे, आई विल नॉट लीव इट एम्प्टी, ठीक है। और कैसे एक एजुकेटेड गेस लगाएं प्रीलिम्स में, ठीक है, क्योंकि अगर आप बोलो कि नहीं मैं तो सिर्फ 100 में से सिर्फ मैं 55 क्वेश्चन करके आऊँगा एग्जैक्ट, अगर 55 के 55 ठीक हो जाएँ तब भी शायद चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट नहीं होंगे। कैसे आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में खुद को टेबल करना है, ये बस एक ओवरऑल अटेम्प्ट रहेगा पूरी अपनी तैयारी करने का। और एंड आई रियली वॉन्ट टू मेक यू रीड अलॉट, कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि आजकल तो जैसे पके पकाए नोट्स वगैरह का सीजन आ चुका है तो रीडिंग बहुत कम हो गई है, जो रीडिंग नहीं कर रहा है जनरली इज नॉट सक्सीडिंग, ठीक है। आप बोलो कि 1,000 में से जो ये वाला बच्चा मुझे पता है उसका हो गया बिना पढ़े, ये वाला का हो गया, तो 100 होंगे ऐसे, 100 भी नहीं होंगे, 50 चलो लगा लो, 100 लगा लो, चलो 1,000 में से 100 ऐसे निकलते हैं जो बहुत ही कम पढ़ के, बाकी जितने भी 900 निकले हैं सभी बिल्कुल घिसते हैं, दिन रात घिसते हैं, उसके बाद ही उनका कुछ बनता है। तो आई वॉन्ट यू टू रीड अलॉट, और रीड करोगे तो, क्योंकि जिस चीज़ की शुरुआत की आपने वो शुरुआत अंत तक पहुंचाने के लिए यू विल हैव टू डू दैट। एंड बेसिकली यू आई वॉन्ट यू टू लव द प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि गले की फांस बन गया है कि मैंने क्या कर लिया, पढ़ते रहो, रीड करो, मज़ा करो, चीज़ों को समझो, चीज़ों को एनालाइज करो, डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स, डिस्कस इट विद फैमिली। एंड अखबार में आर्टिकल पढ़ो, पहले आर्टिकल समझ नहीं आता, अब समझ आना शुरू हो गया है, इन्जॉय इट, कि कैसे खुद की ट्रांजिशन को एंजॉय करो ना, कि पहले समझ नहीं आता आर्टिकल, अब समझ आ रहा है, वाओ ये तो अच्छा हुआ, चलो कि, और उसके बाद नई नई चीज़ें आपको इंटरेस्ट करने शुरू कर देगी कि ये क्यों हो रहा है, पहले सिर्फ आपको एक ही तरह का इंटरेस्ट था, अब आपके इंटरेस्ट कितने डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, पॉलिटी के बारे में जानते हो, इकोनॉमी के बारे में जानते हो, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, स्टार्स के साथ क्या हो रहा है, बहुत कुछ जान जाओगे। प्रोसेस को समझो, इन्जॉय करो ना थोड़ा इस प्रोसेस को, कि वाई डू यू वॉन्ट टू क्राई एंड क्रैक इट, स्माइल एंड क्रैक इट। एंड
हम ऑफलाइन करते रहे हैं सब कुछ क्लासेस में, अब अटेम्प्ट हमारा है ऑनलाइन करने का. लेट्स सी हाउ फार डज इट गो. एंड इसीलिए लव ऑलवेज फ्रॉम स्लीपी क्लासेस. ठीक है दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्दी. प्लान डाउनलोड करो एंड हैव अ लुक ओवर इट. अभी हम शुरू करेंगे 15th November से क्लासेस रेगुलरली. ठीक है, थैंक यू.